A very good morning to all of you. How are you, students? Hope you all will find at your home. Students, today we will revise our chapter eleven grammar work: prepositions of time. As you know, that these are our prepositions of time: in, at, on, till. एंड फ्रॉम टू इन मीन्स में एट मीन्स पर ऑन मीन्स भी पर ट मीन्स तक फ्रॉम टू यानी ये पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट एट वी यूज एट फॉर प्रीसियस टाइम वी यूज इन for months years centuries and long periods we use on for days and date like look this chart we use at for precious time like at 3 o'clock at 10:30 at 1 o'clock at any time okay at noon at dinner time at bedtime at sunrise at sunset or at the moment we use in months years centuries and long periods like in may in summer or in the summers in 1990 or in the 1990s in the next century, in the ice age, in the past, yan, ya fir in the future. Now look at use of on. We use on in with days and dates, like on Tuesday, on 25 December 2010. On

एंड ऑफ अ टाइम पीरियड यानि ये टिल का यूज हम करते हैं उस किसी कार्य के स्टार्टिंग होने से उसके खत्म होने तक एग्जाम्पल वी वेटेड टिल थ्री ओ क्लॉक हमने इंतजार किया टिल थ्री ओ क्लॉक यानी तीन बजे तक इंतजार किया ना लुकेट नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम नॉट लिविंग टिल यू अपोलोजाइज जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते आई एम नॉट लिविंग मैं नहीं छोड़ रहा हूँ टिल यू अपोलोजाइज जब तक तुम माफी नहीं मांगते ना लुकेट नेक्स्ट दे प्लेड फुटबॉल टिल इट गॉट डार्क प्लेट फुटबॉल उन्होंने फुटबॉल खेला टिल इट गॉड डार्क जब तक अंधेरा नहीं हो गया लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल यू आर नॉट वाचिंग टीवी टिल यू फिनिश योर डिनर यू आर नॉट वाचिंग टीवी तुम टिल यू फिनिश योर डिनर जब तक तुम्हारा डिनर नहीं खत्म होता यू आर नॉट विच वॉचिंग टीवी तुम टी वी नहीं देख रहे हो यानी तुम टी वी नहीं देख रहे हो जब तक यू फिनिश योर डिनर जब तक तुम्हारा फिनिश डिनर फिनिश खत्म नहीं होता नाउ लुक एट एनदर प्रिपोजिशन ऑफ टाइम फ्राम टू वी यूज इट टू डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ आर टाइम पीरियड हम फ्राम टू का यूज भी किसी कार्य के शुरुआत से उसके अंत तक यानी समय के उस समय के अंत तक करते हैं जैसे कि हमने अभी टिल में किया था नाउ लुक एट एग्जांपल वी वेटेड फ्रॉम थ्री ओ क्लॉक टू सिक्स ओ क्लॉक हमने इंतजार किया तीन बजे से छ बजे तक टिल में क्या था वी वेटेड टिल थ्री ओ क्लॉक हमने तीन बजे तक इंतजार किया और फ्रॉम टू में क्या है हमने एक टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड से दूसरे ल, उसके एंड तक उसका यूज किया इंतजार किया वी वेटेड फ्रॉम थ्री ओ टू सिक्स ओ नाउ अब इनके रूल्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए वी वी विल डू सम सेंटेंसेस रिवीजन ऑफ ऑफ टाइम एंड दीज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम आर in on at till and from to now look at number 1 sentence i have a meeting dash 9 a.m. and when we saw a uh, time 9 a.m. और एम का यूज़ हम करते हैं मॉर्निंग के लिए तो व्हाट विल कम हियर हियर वी विल यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट एज शो इन आवर चार्ट फॉर प्रीसियस टाइम वी यूज़ एट लाइक एट थ्री ओ क्लॉक एट टेन थर्टी एट नून एट डिनर टाइम एट बेड टाइम एट सनराइज

यानी शॉप मध्य रात्रि को बंद होती है लुक एट सेंटेंस नंबर थ्री वेयर विल यू बी डैज न्यू ईयर्स डे वेयर विल यू बी तुम कहाँ होगे गए न्यू ईयर्स डे यानी न्यू ईयर के दिन वाले दिन पे तुम कहाँ होगे और जैसा कि हम जानते हैं वी यूज़ ऑन फॉर डेज एंड डेट्स डेज और डेट्स के लिए हम ऑन का यूज करते हैं और हियर वी वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू ईयर्स डे सो वी विल राइट हियर ऑन नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस नंबर फोर द स्टार्स शाइन डेज नाइट द स्टार्स शाइन तारे चमकते हैं नाइट यानी रात्रि में और रात्रि के लिए हम क्या यूज करेंगे यहां पर एट नाइट द स्टार्ट साइन एट नाइट स्टूडेंट्स बी केयरफुल विद मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट वी यूज इन फॉर मॉर्निंग यानी इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून इन द इवनिंग

ट्वेंटी नवंबर नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स मीट डेज मिड डे डेज लेट्स मीट चलो मिलते हैं डेज मिड डे एंड सैटरडे तो फॉर मिड डे वर्ट विल बी यूज एट मिड डे हमने अभी बात करी ना प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के लिए एट मिड डे और डे डे दिया गया है तो फॉर डेज वी यूज ऑन लेट्स मीट एट मिड डे ऑन सैटरडे लुक एट नंबर सेवन सेंटेंस आई स्टे विद माई फैमिली डेज दिवाली आई स्टे मैं रुकता हूँ विद माई फैमिली अपने परिवार के साथ डैज दिवाली दिवाली तक द तो फॉर तक वी यूज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम टिल यानि मैं दिवाली तक अपनी फैमिली के साथ रुकता हूँ ना लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस डू यू वर्क डैज मंडे डू यू वर्क क्या तुम काम करते हो मंडे यानि मंडे को तुम काम करते हो क्या तुम मंडे को काम करते हो तो मंडे मंडे इज अ डे और फॉर डेज एंड डेट्स विल वी वी यूज यूज हियर ऑन डू यू वर्क ऑन मंडे क्या तुम मंडे को सोमवार को काम करते हो लुक एट नेक्स्ट नंबर सेंटेंस नंबर नाइन आई एम बिजी मैं व्यस्त हूं डेज द मोमेंट बट मोमेंट यानी क्षण बट आई विल बी फ्री लेकिन मैं फ्री यानी स्वतंत्र हो जाऊंगा डेज द इवनिंग शाम को तो वट विल वी यूज़ यर द मोमेंट मैंने अभी बताया ना आपको फॉर द मोमेंट फॉर प्रीसीस टाइम फॉर नून डिनर टाइम बेड टाइम सनराइज़ सनसेट वी यूज़ एट आई एम बिजी एट द मोमेंट मैं इस समय इस क्षण बिजी हूं बट आई एल बी फ्री द इवनिंग यूज यवनिंग लिस्टन स्टूडेंट फॉर मॉर्निंग फॉर इवनिंग वी विल यूज प्रिपोजिशन एन टाइम इन बट फॉर नाइट वी यूज एट लेकिन मैं शाम को फ्री हूँ यानी स्वतंत्र हूँ यानी खाली हूँ नंबर नेक्स्ट सेंटेंस वी वेटेड डेज हाफ पास्ट फॉर यू वी वेटेड हमने इंतजार किया हाफ पास्ट सिक्स यानी साढ़े छः बजे तक फॉर यू तुम्हारा तो वट विल कम हियर हमने तुम्हारा साढ़े छः बजे तक इंतज़ार किया तो so, तक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं तो हियर वी राइट

इट एक टाइम पीरियड दिया है कि इस बजे से इतने बजे तक खुलता है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रॉम एट ए एम टू सिक्स पी एम चिड़ियाघर सुबह आठ बजे से शाम को छ बजे तक ओपन यानी खुलता है लुक एट सेंटेंस नंबर ट्वेल्व दे वर्कड देयर डे टू थाउजेंड टेन डैश दे वर्क देयर दे मीन्स उन्होंने वर्क मीन्स काम किया देयर मीन्स वहाँ टू थाउजेंड टेन से टू थाउजेंड सेवनटीन तक तो वट विल कम यू टाइम टू टाइम पीरियड दिया गया है कि इस समय से इस समय तक तो फ्रॉम फॉर इट वी यूज फ्रॉम टू यानी टू थाउजेंड टेन से टू थाउजेंड सेवनटीन तक उन्होंने यहाँ पर काम किया वहां पर काम किया नाउ लुक एट नंबर थर्टीन सेंटेंस शी विल स्टेयर डे टेन एम डैस सिक्स पी एम शी विल स्टे हियर शी मीन्स विल स्टे हियर हियर मीन्स यहाँ स्टे मीन्स रुकना और विल मीन्स गागी गई यानी शी विल स्टे हियर वो यहाँ रुकेगी डैस टेन ए एम सुबह के दस बजे से

फ्राइडे शुक्रवार तक वे शुक्रवार तक वापस नहीं आएंगे तो तक तक के लिए क्या हम यूज़ करेंगे टक के तक के लिए हम टिल का यूज़ करते हैं नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस वेट फॉर मी मेरा इंतज़ार करो डेज आई रिटर्न जब तक मैं लौटता नहीं तो वट विल कम यर जब तक और टिल वेट फॉर मी मेरा इंतज़ार करो टिल आई एम रिटर्न जब तक मैं वापस नहीं आता So, students, these are some sentences based on preposition of time. Hope you will understand very well. Goodbye everyone and take care. Stay at home.